ऑनलाइन पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को टैबलेट देने का फैसला लिया है। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनकी आय कम होने के कारण वो अपने बच्चों को महंगे उपकरण देने में असमर्थ रहते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जल्द ही टैबलेट देने का वादा किया ताकि वो आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कर सकें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक के 8,06,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन सभी विद्यार्थियों को सरकार द्वारा टैबलेट देने की योजना है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक विद्यार्थियों को जो टैबलेट दिए जाने थे उनकी स्क्रीन 7 इंच थी, लेकिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में निर्णय लिया गया कि इन विद्यार्थियों को 7 की बजाय 8 इंच की स्क्रीन वाला टैबलेट दिया जाए और 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को 10 इंच की स्क्रीन वाले टैबलेट दिए जाएंगे। तो नहीं है, टैबलेट देने की बात आई थी और उसमें हमने जितने भी हमारे बच्चे हैं सारे बच्चों को हम टैबलेट देने लग रहे हैं, 8वीं से लेके जो 12वीं तक के बच्चे हैं सभी को देंगे हम। और ये संख्या हमारी जो है वो 8,06,000 है, तो उन सबको हम ये टैबलेट देंगे। लगभग 500 करोड़ के करीब इसमें खर्चा आएगा। तो उसमें बच्चों को जो हमने पहले फाइनल किया था वो उसकी जो स्क्रीन थी वो 7 इंच की थी। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, उस बैठक में उन्होंने जो छोटी क्लास है उनके लिए तो उसकी जो स्क्रीन थी वो बढ़ा के 8 इंच कर दी और जो प्लस वन जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं तो उनके लिए जो स्क्रीन है वो 10 इंच की कर दी। तो उससे थोड़ा खर्चा और बढ़ेगा, तो देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें क्वालिटी में आ जाएगा काम? देखिए क्वालिटी जो अच्छी से अच्छी होगी वही देंगे। और इसमें सर कब से शुरू होगी स्कीम? स्कीम तो लगभग फाइनल लेगी, अभी उसके टेंडर में वगैरह हो गए और जल्दी जैसे भी हमें मिलती है उसकी उपलब्धता होती है तो उसके बाद बच्चों को देंगे। सर सभी बच्चों को देंगे या BPL या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, सभी बच्चों को, जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं सारे बच्चों को देंगे। किस क्लास तक? 8वीं से लेके 12वीं तक। पिछले काफी समय से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को टैबलेट देने की योजना बनाई है ताकि वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से पूरी कर सकें। इसी के तहत प्रदेश भर के सभी 8,06,000 विद्यार्थियों को सरकार की ओर से टैबलेट देने की योजना पर अमल शुरू होने वाला है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी TV।